أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students I hope you all are fine and doing well today we are going to discuss social studies of grade 1 so let's open the page number 34 unit number 5 and the name of this unit is transport kya hai transport ek aisa zariya hai जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं और चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये है कहलाता है ट्रांसपोर्ट तो आइए देखते हैं अहमद गोज़ टू स्कूल बाय बस अहमद स्कूल कैसे जाता है बाय बस तो बस क्या है बस इज़ अ ट्रांसपोर्ट ये है एक ट्रांसपोर्ट अहमद बस के ज़रिए स्कूल जाता है सो दिस इज़ अ ट्रांसपोर्ट बस नेक्स्ट अहमद्स फादर गोज़ टू ऑफिस इन हिज कार अहमद के फादर ऑफिस कैसे जाते हैं बाय कार अहमद फादर गोज टू ऑफिस इन हिज कार अहमद के फादर अपनी गाड़ी में ऑफिस जाते हैं सो कार इज अ ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट अहमद मदर गोज टू मार्केट इन ऑटो रिक्शा अहमद की मदर मार्केट कैसे जाती हैं इन ऑटो रिक्शा वो रिक्शे में बैठकर मार्केट जाती हैं सो ऑटो रिक्शा इज अ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट व्हीकल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें दीज व्हीकल्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट Some vehicles are fast and some are slow. कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो आहिस्ता चलती हैं तो आइए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर 35. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की तीन तरह की किस्में हैं नंबर वन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स मूव ऑन लैंड बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि ज़मीन पर चलती हैं उनमें क्या कुछ शामिल है लुक एट दीज पिक्चर्स ट्रेन क्या आपने कभी ट्रेन देखी है क्या कभी ट्रेन पर सफ़र किया है किया होगा सो दिस इज़ ट्रेन दिस इज़ बस व्हाट इज़ दिस दिस इज़ ऑटो रिक्शा बाईसाइकिल एंड टिप कार्ट ये सब चीज़ें ज़मीन पर चलती हैं इन्हें ज़मीन पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट कहते हैं इनके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं सो दीज आर द लैंड ट्रांसपोर्ट्स नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट पानी में चलने वाली ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन सी हैं सम व्हीकल्स मूव ऑन वाटर दे डू नॉट हैव व्हील्स ऐसी गाड़ियाँ जो पानी पर चलती हैं लेकिन उनके व्हील्स नहीं होते सो लुक एट दीज पिक्चर्स ये क्या है दिस इज़ शिप ये शिप है और ये पानी में चलती है ये है सेल बोट इसे क्या कहते हैं सेल बोट ये क्या है दिस इज़ मोटर बोट इसे कहते हैं मोटर बोट और इसको कहते हैं यॉच सो दीज आर द वाटर ट्रांसपोर्ट्स ये पानी पर चलने वाली चीज़ें हैं
जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। सम व्हीकल्स फ्लाई इन द एयर। कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जो हवा में उड़ती हैं। उनमें क्या कुछ शामिल है? हेलीकॉप्टर। लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज हेलीकॉप्टर। दिस इज हॉट एयर बलून। इसे कहते हैं हॉट एयर बलून। एंड दिस इज एरोप्लेन। सो दीज आर द एयर ट्रांसपोर्ट्स। यहाँ पर हमने पढ़ा थ्री टाइप्स हैं ट्रांसपोर्ट की। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। डन। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 36, एक्टिविटी टाइम। सम व्हीकल्स हैव व्हील्स एंड सम डू नॉट हैव। कुछ गाड़ियों के व्हील्स होते हैं और कुछ के नहीं होते। हाउ मैनी व्हील्स डू दीज व्हीकल्स हैव। अब हम देखेंगे कि इनमें व्हीकल्स के कितने व्हील्स होते हैं। सो फर्स्ट इज कार। क्या आपको पता है कार के कितने व्हील्स होते हैं? 4। यस, 4। F O U R, 4। नेक्स्ट इज मोटरबोट। क्या आप जानते हैं मोटरबोट के कितने व्हील्स होते हैं? यस, 2। राइट डाउन 2। नेक्स्ट इज बस। बस के कितने व्हील्स होते हैं? यस, 4। F O U R, 4। हेलीकॉप्टर। क्या आपने हेलीकॉप्टर देखा है? उसके कितने व्हील्स होते हैं? हेलीकॉप्टर का तो कोई व्हील नहीं होता। सो लिखेंगे नो, N O नो। नेक्स्ट इज ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के कितने व्हील्स होते हैं? 3। यस, राइट डाउन 3। टी एच आर डबल ई, 3। नेक्स्ट इज शिप। शिप के कितने व्हील्स होते हैं? शिप का तो कोई व्हील नहीं होता। सो राइट डाउन नो। नेक्स्ट इज बाईसाइकिल। क्या आपके पास बाईसाइकिल है? बाईसाइकिल आप चलाते होंगे और आपको पता होगा कि बाईसाइकिल के कितने व्हील्स होते हैं? यस, बाईसाइकिल हैज 2 व्हील्स। सो राइट इट डाउन 2, टी डब्ल्यू ओ 2। डन। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 इज टिक द एनिमल्स विच आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ट्रांसपोर्ट के लिए जिन एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं अब हम उनको टिक करेंगे। फर्स्ट इज लॉइन। क्या हम इस पर चीज़ें लादकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नो, सो क्रॉस इट डाउन। नेक्स्ट इज हॉर्स। यस, हम हॉर्स को एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जाने पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज डॉग। नो, क्रॉस इट डाउन। नेक्स्ट इज एलिफेंट। नो, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट इज गोट। क्या आप गोट पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नो, सो क्रॉस इट डाउन। नेक्स्ट इज डंकी। टिक,
डंकी पर हम चीज़ें लादकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, सो ये ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कैमल, यस टिक। नेक्स्ट इज बुल, नो क्रॉस। ज़ेब्रा, क्रॉस, डन। सो योर चैप्टर नंबर 5 इज ऑल्सो डन। I hope you have understood the lesson. Have a blessed day, students. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।